भदोही, मड़ियाभू और जौनपुर और मछलीशहर, जंगई और भदोही टोटल 1200 करोड़ के खर्च से 6 लेन का बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वाराणसी से जौनपुर, जौनपुर से भदोही, भदोही से मछलीशहर एक और 90 किलोमीटर का रोड 4 लेन का बनाने का काम चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने ढेर सारा पैसा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भेजा है और योगी जी ने उसकी पाई पाई प्रामाणिकता के साथ खर्च कर उत्तर प्रदेश का विकास किया। मेरा आप सबसे अपील, एक गुंडे और बाहुबली मधुबनी का विकास नहीं कर सकते, जिसके संस्कार में पीढ़ी दर पीढ़ी से सेवा का संस्कार है, ऐसा हमारा युवा केपी सिंह ही मधुबनी का विकास कर सकता है। एक बार आपने गलती की है, किए या नहीं किए? अरे जोर से बोलो, किए या नहीं किए? दोबारा करना चाहोगे क्या? जोर से बोलो, चाहोगे? मित्रों, मैं कहता हूं केपी सिंह को विधायक बनाकर भेज दो, मेरी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता केपी सिंह को बनाने की जिम्मेदारी ले रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, अंत में मुझे एक बात बताइए, ये कश्मीर भारत का है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता भाई, कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? इस सपा बसपा कांग्रेस 70 साल से धारा 370 और 35 को गोदी में खिलाकर बच्चे की तरह खिला, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, और उस वक्त इस सपा बसपा कांग्रेस पार्लियामेंट में इसका विरोध करते थे। ये अखिलेश बाबू खड़े हो गए, मुझे बताते थे कि गृहमंत्री जी अगर धारा 370 हटी तो देश में खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। और देख लो, सुन लो, धारा 370 हटती गई, कश्मीर हमारा हो भी गया, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता के मुकुट मने कश्मीर को हमेशा के लिए मां के मस्तक पर सजाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। 10 साल तक सपा बसपा के समर्थन से सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर लेता था। और देश का प्रधानमंत्री उफ नहीं कर पाता था। मोदी जी आए, आप सबने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, पाकिस्तान ने गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया, उसको लगा कि क्या होने वाला है, वो भूल गए कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं है, सपा बसपा की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो भूल गए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने
दुनिया भर में एक संदेश भेजा कि देश की सीमा और देश की सेना उसके सामने आंख उठाकर देखा नहीं जाता, वरना दंडित किया जाता है। वो संदेश नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में भेजने का काम किया है। मलहनी वालों, मैं दिल्ली जाते जाते मलहनी एक ही काम के लिए आया हूं, इस बार यहां से बाहुबलियों को मत जिताइएगा। जिताएंगे मित्रों, इस बार ऐसा व्यक्ति जिताइए जिसके डीएनए में सेवा का संस्कार है, जो छीनना नहीं चाहता, जो देना चाहता है, जो किसी को चाटा नहीं लगाता, चाटा लगाने वाले के हाथ पकड़कर जेल में भेजना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को चुनना है, और ऐसे व्यक्ति को अगर चुनना है तो आपके पास एकमात्र विकल्प एक पार्टी है, जो बाहुबलियों की पार्टी है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो स्वयं बाहुबली है। ये दोनों आपका भला नहीं कर सकते, आपका भला उमानाथ सिंह के संस्कारों से सुगंधित हमारा युवा डॉक्टर केपी सिंह ही कर सकता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, केपी सिंह को उत्तर प्रदेश का नेता बनाने का काम मैं करूंगा, मैं मलहनी में कह कर जाता हूं। बताओ मुझे, केपी सिंह को विधायक बनाकर लखनऊ भेजोगे क्या? अरे जोर से बोलो, भेजोगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? 300 पार वाली सरकार बनाओगे क्या? योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तुम मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए वो नजर आए। आगे बढ़ते हैं, काशी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बड़ा बयान आया है सामने। मथुरा में बनेगा श्री कृष्ण का भव्य मंदिर, कोई रोक सके तो रोक ले, ये उनके द्वारा कहा गया है। बीजेपी की 300 सीटें पार हो गई है, अभी तक बीजेपी 300 सीटें पा रही है। केशव मौर्य की तरफ से कहा गया, बड़े माफिया गुंडों पर कार्रवाई हुई है, ये भी उनके द्वारा कहा गया। सुनाएंगे आपको। हम वाराणसी में हैं और वाराणसी को पूर्वांचल का पावर सेंटर माना जाता है। और देखिए, हम आपको बता दें कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर चुके हैं, तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ मौजूद हैं। और वाराणसी में देखिए, सुबह का वक्त है और नाश्ता कर रहे हैं सर यहाँ पर, दही पूड़ी और जलेबी के साथ। सर बनारस के रंग में ढल गए आप भी आके। बनारस में आकर के बनारसी ना हो जाए तो फिर मतलब क्या रह गया सर, क्योंकि अब आखिरी चरण में आ गया है चुनाव। और अब जो भी होगा पूर्वांचल, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया वो भी, और प्रियंका गांधी भी यहाँ ताकत लगा रही हैं, अखिलेश यादव ने भी रोड शो किया। सर क्या मानते हैं आप, क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? जो विपक्ष की ओर से जिनका भी आप नाम ले रहे हैं उनको जीरो मिलेगा, बाकी सब जगह कमल खिलेगा या गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। तो अब तक कितनी रिपोर्ट्स मिल पा रही होंगी, 6 चरण का चुनाव, 300 ज्यादा सीटें 7 चरण मिलाकर के जीतेंगे। और अब जो लास्ट चरण है क्या लग रहा है सर? भाई लास्ट चरण मिला करके, सातों चरण मिला करके हम 2017 के जो नंबर है उनको दोहराएंगे, उससे 10-5 आगे बढ़ सकते हैं। सर पहले लड़ाई थी गन्ना जिन्ना, फिर गर्मी निकालने पर आई, फिर अब आतंकियों पर आ गई है, कि देखिए आतंकियों को संरक्षण दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सर देखिए, आतंकवादियों की रिश्तेदारी है समाजवादी पार्टी से, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना, उनको पालन पोषण करना, उनको जब सत्ता में हो तो सारी सुविधाएं देना, ये तो उनका चरित्र है। यह वोट बैंक मान करके वो लोग इस तरह का काम करते हैं जिससे देश का देशवासियों का हित होता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी विकास मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार से मुक्ति के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और जीत रही है।
सर आपने मथुरा को लेकर बयान दिया था, उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार हमले बोलते हैं जिस भी जनसभा में जाते हैं कि देखिए बीजेपी वाले नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनाना उनको नफरत की राजनीति लगती है तो ये उनको मुबारक हो। बाबा विश्वनाथ जी का धाम धूमधाम से बना है और बनेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान विवादित परिसर छोड़ करके वह भी धूमधाम से बनेगा। उनकी जितनी दमो लगा ले, रोक न सके तो रोक ले। वाराणसी संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी सवाल, लेकिन प्रियंका और अखिलेश यादव यहाँ लगातार कैंपेन कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी आ गई, आप उसे कैसे देख रहे हैं? प्रियंका जी के पास जो कांग्रेसी फोटो खिंचाने वाले बच्चे उनको बचा के रखे हैं, बाकी तो उनका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अखिलेश यादव जी मीडिया में अपना स्पेस लेने के लिए ममता दीदी को भी बुला लिए हैं, लेकिन उनको बुलाने से या किसी और के आने से यहाँ कमल के फूल खिलने में कोई असर नहीं। 10 के बाद बीजेपी की धूमधाम से होली मन तो मनी रही है, 10 को होली मन रही है, 18 को होली मन रही है, अब पूरे 5 साल जनता की पूरी होली रहेगी जिससे सुशासन और विकास और सुरक्षा जब तीनों का कवर उनको प्राप्त होगा। चलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देख ही सकते हैं कि वाराणसी में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बड़े मजे के साथ, क्योंकि पूरे काशी में हो रहे हैं यहाँ पर। कैमरामैन लेखराज के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, वाराणसी। वक्त एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक का, खबरें लगातार जारी। बारूद पर जाए पुतिन बंकर में जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी लग रहा था कि 4-5 दिन बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत नाटो से जुड़े 30 देश रूस पर हमला जरूर करेंगे, लेकिन पुतिन ने अपने सख्त तेवरों से नाटो के अंदर ऐसा खौफ भर दिया कि अब अमेरिका के बाद नाटो ने भी साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए नाटो की फौज रूस से जंग नहीं करेगी। ऐसे में आप सोचिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर क्या बीत रही होगी। वो तो अमेरिका और नाटो पर फूल रहे थे और उन्हीं के दम पर जंग करने का दम भर रहे थे। यूक्रेन में जंग छिड़ने के पहले से ही अमेरिका समेत कई देश रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी देते रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। आर्थिक और हवाई नाकेबंदी भी की गई है। हर मोर्चे पर रूस को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि जब तक यूक्रेन में रूस का मिशन पूरा नहीं होगा तब तक रूस के फौजें हमला करती रहेंगी। इन हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन नाटो के नासूर बनता जा रहा है। लगता है नाटो भी चाहने लगा है कि रूस जल्दी से पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर ले ताकि यूक्रेन के बवाल से नाटो को छुटकारा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।
प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। यूपी में आज थमेगा सातवें चरण का चुनाव प्रचार, 7 मार्च को 9 जिलों के 54 सीटों पर होगा मतदान, दिग्गजों ने झोंकी है ताकत। सातवें और आखिरी चरण के रण में काशी में डटे पीएम मोदी, प्रबुद्ध वर्ग के साथ चाय पर की चर्चा। सियासत के सुपर शनिवार में आज पूर्वांचल में सियासी दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा, पीएम मोदी आज वाराणसी में खजूरी में करेंगे रैली। जौनपुर में गर्जे अमित शाह, रैली को संबोधित करते हुए कहा प्रदेश से अब अपराधी भाग रहे हैं, जो बचे उन पर 10 मार्च के बाद दोबारा काम होगा। सोनभद्र में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा बीजेपी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, पहले की सरकार में विकास रुका हुआ था। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी, सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। आजमगढ़ में गर्जे अखिलेश यादव, कहा गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल गई, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। सातवें चरण के प्रचार से पहले मंदिर पहुंचे अखिलेश यादव, काशी में बाबा काल भैरव के दर्शन, जीत का मांगा आशीर्वाद। काशी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा बयान, मथुरा में बनेगा श्री कृष्ण का भव्य मंदिर, कोई रोक सके तो रोक ले, चुनाव में बीजेपी की 300 सीटें हुई पार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोलियां पड़ना यादव, पीएम मोदी पर काशी की जनता का भरोसा, यूपी में फिर से भगवा लहराएगा सुरक्षा सम्मान, राष्ट्रवाद के लिए करे वोट। प्रियंका गांधी आज गाजीपुर और जौनपुर में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगेंगी वोट, आज शाम को 6 बजे थम जाएगा सातवें चरण का चुनाव प्रचार। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर लगी रोक, आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी पर कार्रवाई। 10 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी, रूस के महाविनाशक हथियारों के बीच लड़ रहा यूक्रेन, खेरसॉन के बाद दूसरे शहरों पर कब्जे की फिराक में रूस। जंग में फंसे लोगों को सेफ पैसेज देने के लिए रूस ने किया सीज फायर, यूक्रेन में ग्रीन कॉरिडोर की मांग की थी, 2 शहरों में 5.5 घंटे के लिए जारी है सीज फायर। यूक्रेन के खार्किव में जेनोवा शहर में भी रूसी सेना के हमले लगातार जारी, मिसाइल हमले के बाद एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट से हमला, गेट के बाहर मिले रॉकेट के टुकड़े, जेलेंस्की ने कहा चूका पुतिन का निशाना, यूक्रेन से भागने की खबरों को बताया रूसी प्रोपेगेंडा। यूक्रेन से जंग के बीच जारी है भारतीयों की वतन वापसी, आज भी रोमानिया हंगरी से भारतीयों को लेकर आया विशेष विमान। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे ज्यादा क्लियर पिक्चर क्वालिटी के साथ देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सिर्फ डिश टीवी HD बॉक्स से। होगा 2022 का बाजीगर, 10 मार्च से पहले जानिए कौन जीता कौन हारा, एग्जिट पोल जो होगा एग्जैक्ट नतीजों के सबसे करीब। जी मीडिया लेकर आ रहा है चुनावी इतिहास का सबसे सटीक एग्जिट पोल, 403 विधानसभा सीटों का पूरा विश्लेषण 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। यूक्रेन के बीच महाविनाशक युद्ध जारी है, यूक्रेन के कीव, खार्किव, चर्निहीव और खेरसन में मौत तांडव कर रही है। रूस ने यूक्रेन को कब्जे में लेने के लिए पूरा प्लान बनाया है, उसी प्लान के तहत पुतिन की पलटन आगे बढ़ रही है, रूस के निशाने पर अब यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। यूक्रेन ने अलग अलग हिस्सों में 4 न्यूक्लियर प्लांट, जपोरिजिया, रिवन, खमलनेत्स्की और दक्षिण यूक्रेन में है, जिनसे 15 न्यूक्लियर रिएक्टर संचालित होते हैं। रूस के हमले के बाद 15 में से 6 न्यूक्लियर रिएक्टर ने काम करना बंद कर दिया था।
जिससे यूक्रेन में बिजली आपूर्ति में भारी कमी आ गई थी। सामान्य रूप से न्यूक्लियर प्लांट्स को वॉर जोन की तरह तैयार नहीं किया जाता है। यही वजह है कि रूस के हमले की वजह से यूक्रेन के न्यूक्लियर रिएक्टर लगातार निशाना बन रहे हैं। रूस ने अपने प्लान के तहत यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना पहले ही एक दूसरे परमाणु संयंत्र चेर्नोबिल पर भी कब्जा कर चुकी है। सीसीटीवी कैमरों पर दर्ज इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन का जापोरिजिया पावर प्लांट है जहां हमला किया गया। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के बाद जेलेंस्की ने यूरोप पर बड़े संकट की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बनारस को मोदी ने अपना मान लिया तो बनारस ने भी पीएम मोदी को खूब प्यार दिया। पीएम मोदी ने सिर्फ सियासी समीकरण के लिहाज से काशी को नहीं अपनाया बल्कि बनारस की संस्कृति, परंपरा, धार्मिकता की वजह से काशी को चुना। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन प्रदेश को दंगा मुक्त और भय मुक्त करने के साथ ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सरकार ने किया है, आज उसका परिणाम है, उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। मैं जब आपके यहाँ पे आ रहा था, मैं देख रहा था कि विकास और भय मुक्त वातावरण का प्रतीक उत्तर प्रदेश शासन का बुलडोजर भी यहाँ पीछे खड़ा है। चलने चाहिए ना, विकास और बुलडोजर साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का विकसित सीट आनी चाहिए। लेकिन रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी ने जो कहा, हमने ओमाई के लिए, भदोही के लिए, ज्ञानपुर के विकास के लिए उतना कार्य करवाया है और जो बचेगा उसको फिर अगले कार्यकाल के दौरान सरकार कराएगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक कमजोर सरकार के लिए ज्यादा विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। आप कमजोर सरकार चाहते ही चाहते हैं, चाहते हैं? रविंद्रनाथ त्रिपाठी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, गांव गांव घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता तक हमारे संदेश को पहुंचाएंगे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बननी आवश्यक है। इसको बताएंगे 7 मार्च को सुबह 7 बजे से मतदान होना है, सभी को मालूम है ना? आज सायकाल प्रचार बंद हो जाएगा, ये भी जानते हैं ना? तो आप लोग अगले 24 घंटे घर घर जाकर के रविंद्रनाथ त्रिपाठी बनकर के कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे,
रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर चंद्रमान पहले मतदान सभी लोग करेंगे। दोनों हाथ काटों के निशान को प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक कोरोना स्विचेस, फैंस एंड एलईडी लाइटिंग, 35 वर्षों से भरोसे का सच्चा साथी। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक, अब चमकिए प्यार से। इक्वल द राइट वन, द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन वेइंग इंडस्ट्री। 7 डेज स्ट्रेच मार्क रिमूवल क्रीम लगाइए और अपने प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स मिटाइए। और ब्रेकफास्ट की हंगर के लिए डिलीशियस केचप, जैम और अचार। 9 AM घड़ी की बड़ी खबर। जंग में फंसे लोगों को सेफ पैसेज देने के लिए रूस ने किया सीज फायर। यूक्रेन ने ग्रीन कॉरिडोर की मांग की थी। दो शहरों में 5.5 घंटे के लिए जारी है सीज फायर। जौनपुर में बोले अमित शाह, कहा अखिलेश ने रात के अंधेरे में लगवाई वैक्सीन। यूपी में अब कानून का राज, बचे हुए माफिया भी जाएंगे जेल। आसमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा गर्मी निकाले वालों की गर्मी निकल गई, सब कुछ बेच दे रही है बीजेपी सरकार। काशी में डिप्टी सीएम के शव मौर्य का जी उपयुके पर बड़ा बयान। मथुरा में बनेगा श्री कृष्ण का भव्य मंदिर, कोई रोक सके तो रोक ले। चुनाव में बीजेपी की 300 सीटें हुई पार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोली अपर्णा यादव, पीएम मोदी पर काशी की जनता का पूरा भरोसा। यूपी में फिर से भगवा लहराएगा सुरक्षा सम्मान, राष्ट्रवाद के लिए करे वोट। यूपी में आज थमेगा सातवें चरण का चुनाव प्रचार। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर होगा मतदान, दिग्गजों ने झोंकी ताकत। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। को प्रेजेंटिंग इजी पे, ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड। डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्या है ये। डिक्सी स्कॉट बॉडी लैंग्वेज जो छा जाए। को पावर्ड बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। पब्लिक वाइब, इंडिया का नंबर 1 हाइपर लोकल न्यूज वीडियो ऐप। स्पेशल पार्टनर संजीवनी गोल्ड टी, चाय वही जो अतिथि मन भाए। प्रायोजक अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया नंबर 1 सीमेंट। श्री श्री तत्व गाय का शुद्ध घी। V1 100% आयुर्वेदिक, दे एनर्जी और इम्यूनिटी। डाइजीन डॉक्टर्स नंबर 1 प्रिस्क्राइब एंटासिड। सपट आयुसास, खांसी का स्पेशलिस्ट आयुसास। और सपट लोशन, दाद खाज खुजली के लिए आखिरी इलाज। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीधा लिए चलते हैं प्रियंका गांधी क्या कुछ करें, सुनिए। और उसके परिवार पर दबाव डाला गया, उसकी चिता को बगैर उसके माँ बाप की प्रस्तुति की मौजूदगी के जला दिया गया। आगे लखीमपुर खेरी में 6 किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी जीप के नीचे कुचल डाला, फिर से पुलिस और प्रशासन ने मदद नहीं की। मैं ललितपुर गई, ललितपुर में उस किसान के घर गई जो खाद की लाइन में खड़े खड़े जिसकी मृत्यु हो गई थी बारिश।